गाइज़ वेलकम टू द लेवल लाइट 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होगे। सो गाइज़ आज मैं एक और रीडिंग करने वाली हूँ और रीडिंग का जो टॉपिक है ना वो है कि कौन शख्स है जो आपके बारे में सोच रहा है और क्यों सोच रहा है। हम उसकी इंटेंशन भी जानने की कोशिश करेंगे। पहली चीज़ तो ये कि वो कौन है, ठीक है, और फिर उसके बाद में ये कि वो क्यों सोच रहा है आखिर आपके बारे में। ओके तो चलो रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते क्या आता है रीडिंग में। एंड गाइस अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग एंड कार्य रीडिंग। ओके चलिए अभी देख लेते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि वो कौन शख्स है जो आपके बारे में सोच रहा है। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स गाइड करें, वो शख्स कौन है जो आपके बारे में सोच रहा है। The Sun, Ten of Cups, Ace of Wands, the World। ओके, ये किसी तरीके का रिलेशनशिप रहा है गाइस, किसी तरीके का रिलेशनशिप रहा है आपका इनके साथ। ओके सो देखो यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि जैसे यहाँ पर वर्ल्ड कार्ड है, ये बताता है कि कुछ एंड हुआ है। यहाँ पर आप दोनों का कोई रिलेशन रहा है एक दूसरे के साथ, बहुत सुंदर रिश्ता रहा आपका। कम से कम ये रिश्ता 10 महीने चला हो, या हो सकता है पूरा 1 साल चला हो, या 9 से 10 साल पुराना हो, क्योंकि वो भी मुझे दिख रहा है। तो इतना कुछ टाइम पीरियड रहा है इस शख्स के साथ, बट बड़ा खूबसूरत रहा वो टाइम, बहुत अच्छा टाइम रहा है। और मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी ज़्यादा ना आप दोनों एक दूसरे के लिए बहुत पॉजिटिव और बहुत पैशनेट रहे हो इस रिलेशन में। ये रिलेशनशिप दिखता है, ये किसी तरीके की फ्रेंडशिप नहीं दिख रही मुझे। ये कोई ऐसा नहीं है कि लाइक कहीं ट्रैवलिंग के दौरान आप दोनों मिले हो, ऐसा भी नहीं है। ये एक ऐसी एनर्जी है कि आप इस शख्स के साथ रिलेशनशिप में रहे हो और एक लंबे टाइम तक रहे हो, जैसे कि 10 महीने या 10 साल या पूरा 1 साल। और काफ़ी पैशनेट रिलेशनशिप रहा है, बहुत सारे सपने देखे गए थे इस रिलेशनशिप से रिलेटेड, लेकिन किसी वजह से ये एंड हो गया, क्योंकि यहाँ पर वर्ल्ड कार्ड है जो कि बताता है एंड हो गया। और हो सकता है कि इस रिश्ते के लिए आपने बहुत एफ़र्ट भी डाले थे, मतलब कि आपने बहुत कोशिश की थी कि आपकी इनसे एक बार फिर से बात हो, लेकिन वैसा नहीं हो पाया। मे बी बहुत कोशिशों के बाद आपने छोड़ दिया या सरेंडर कर दिया था, या मुझे ऐसा लगता है कि इस शख्स के लिए बहुत सारी दुआएं मांगी गई हैं। ये कोई ऐसा शख्स है जिसके लिए आपने बहुत प्रार्थनाएं की है यूनिवर्स से, लेकिन इसके साथ सब एंड हो गया। और ऐसा कोई शख्स है जो आपके बारे में इस वक्त सोच रहा है, ठीक है, या आपको मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहा है। तो ये यहाँ पर आ गया है। अब जानना ये है कि आखिर ये शख्स आपके बारे में सोच क्यों रहा है। ओके तो रीज़न देखने की यहाँ पर कोशिश करेंगे कि ये क्यों सोच रहा है आपके बारे में। बट ये कुछ ऐसा ही शख्स है। शायद आप दोनों ने शादी तक के सपने देखे थे, मे बी आप दोनों ने साथ में कुछ काम करने की भी प्लानिंग की थी, बट जो प्लानिंग्स थी, जो सपने थे, सब कहीं ख़त्म हो गए। और हो सकता है कि इस रिश्ते के लिए अप्रोच सबसे पहले आपकी हुई थी, आपकी तरफ से हुई थी। अट्रैक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग आप दोनों की तरफ ये मुझे दिख रहा है, मतलब ये बहुत अच्छा रिश्ता था, लेकिन अचानक से ये एंड हुआ है। चलिए देखते हैं कि ये शख्स आपके बारे में क्यों सोच रहा है। मैं थोड़ा और इसको क्लियर करना चाहूँगी गाइस, क्योंकि मुझे भी जानना है कि क्या हुआ था, आखिर क्या है ये सब कुछ। Ace of Pentacles, Two of Cups, Seven of Pentacles, okay. हो सकता है आप इस शख्स से फरवरी मंथ में मिले हो, किसी भी ईयर के फरवरी मंथ में। और मैं यहाँ ऐसे देख रही हूँ कि आप बहुत इमोशनल थे इस शख्स के लिए, लेकिन ये शख्स बहुत प्रैक्टिकल था, ऐसा मुझे यहाँ पर नज़र आता है। कि जैसे आप तो बहुत इमोशनल थे, बट ये शख्स बहुत प्रैक्टिकल था और ये अपनी मटेरियलिस्टिक चीज़ों के बारे में ज़्यादा सोचता था, ऐसा मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। और आप हमेशा इसके साथ रहना चाहते थे, या फिर मैं बोलूँ कि आप इससे बहुत प्यार करते थे, आप इसके साथ मिलके कुछ करना चाहते थे, आगे कुछ बढ़ाना चाहते थे, और बट वैसा नहीं हो पाया। सम रीज़न्स। अच्छा, ये शख्स अभी क्यों सोच रहे हैं भैया आपके बारे में? जब चीज़ एंड हुई है, हो गई है, तो अभी क्यों सोच रहे हैं ये? या हो सकता है कि एंड होने के बाद में फिर से स्टार्ट भी हुई हो, और हो सकता है अभी तक आप दोनों साथ हो। बट यस, ये कुछ ऐसी एनर्जी है इस शख्स की। साइन की बात करूँ, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, और एक्वेरियस, स्कॉर्पियो, लियो, टॉरस, ये साइन मुझे दिखते हैं इस शख्स के, हो सकते हैं। क्यों ये आपके बारे में सोच रहे हैं भाई, देखते हैं। Ace of Wands, the Sun, Devil, Knight of Cups. Two of Cups again, Four of Cups. Okay, ये शख्स आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहता है, ये फिर से इस कनेक्शन में आपके साथ वापस आना चाहता है, बिकॉज उसको बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन हो रही है आपकी तरफ, और कुछ डिज़ायर्स इस शख्स के रहे हैं जो अभी तक पूरे नहीं हुए हैं, या उस टाइम पूरे नहीं हुए थे। तो मैं यहाँ पर ऐसा देख रही हूँ कि ये शख्स फिर से एंट्री लेना चाहते हैं आपकी लाइफ में, ये आना चाहते हैं, और हो सकता है कि ये आए भी हों आपकी लाइफ में, और आपने शायद इनको अभी शायद आप ठीक से रिप्लाई नहीं कर रहे हो, या फिर बात नहीं कर रहे हो। आपका ये है कि शायद आप इनको उतना ज़्यादा अटेंशन नहीं दे रहे हो जैसे आप पहले देते थे, बट ये शख्स आपकी लाइफ में वापस आना चाहता है, इस कनेक्शन में वापस आना चाहता है। एंड गाइज ये जो हो रहा है आपकी मैनिफेस्टेशन की वजह से हो रहा है। द सन ये शख्स बहुत याद करता है और इसको बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन हो रही है आपकी तरफ और कुछ दिल में इनकी बातें जो आपसे शेयर करना चाहते हैं। इंटेंशन क्लियर है कि इनको आपके साथ रिश्ता रखना है, इनको रिलेशनशिप में आना है आपके साथ। The lovers again, Eight of Pentacles, Queen of Wands। ओके, इनको आपके साथ कनेक्शन में क्यों आना है, रिलेशनशिप में क्यों आना है? क्योंकि जितना ज़्यादा कंफर्टेबल ये आपके साथ है, किसी और के साथ ये नहीं हो सकते। बहुत अच्छा बॉन्ड ये आपके साथ फील करते, इसलिए इनको कनेक्शन में आना है आपके साथ। और ये भी मुझे दिख रहा है कि हो सकता है कि जब ये शख्स आपकी लाइफ से चला गया था, उसके बाद में आपने खुद को संभाल के खुद के ऊपर बहुत काम किया है और अभी आप एक ऐसी पोजीशन पे हो शायद जहाँ पर जो वो पोजीशन भी इनको बहुत अट्रैक्ट कर रही है अपनी तरफ। एंड ये काफ़ी मटेरियलिस्टिक थे पहले, बहुत करियर एंड पैसा ये सारी चीज़ें बहुत मैटर करती थी और उस टाइम आपके लिए प्यार बहुत मैटर करता था, लेकिन उस टाइम शायद इन्होंने उतना ध्यान नहीं दिया। लेकिन आपने भी अपने ऊपर बहुत ज़्यादा वर्क किया है और अब आप ऐसी पोजीशन में हो जहां आप हाईलाइट होते हो, जैसे लोगों को आप साफ दिखते हो कि हाँ ये इंसान बहुत आगे निकल गया अपनी लाइफ में। तो ये उस चीज़ से भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं आपकी तरफ। अभी इनकी फाइनेंशियल कंडीशन भी कुछ ज़्यादा अच्छी मुझे दिख नहीं रही है, फाइनेंशियली थोड़ा सा सफ़र कर रहे हैं अपनी लाइफ में। और यस परेशानी में हैं ये, मुझे ऐसा लगता है जैसे कि जब आप इससे मिले थे ना इस शख्स से तो उस टाइम भी ये परेशानी में था, लेकिन आपका साथ पाकर धीरे धीरे करके ये बाहर आ गया था परेशानी से। और अब इस वक्त भी ये शख्स आपकी परेशानी में है और ये फिर से आपके पास आना चाहता है। तो मैं यहाँ पर ऐसे देख रही हूँ कि इसको आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहे हो एंड इनको एक बिलीव है कि आप अभी तक भूले नहीं होगे एंड आप प्यार करते होगे, आप एक्सेप्ट कर लोगे, ऐसा कुछ मुझे यहाँ पर दिख रहा है। तो ये एक रीज़न दिख रहा है कि काफ़ी शायद आप ग्रो कर रहे हो अपनी लाइफ में। देन अच्छा, अब जैसे मैंने बोला कि आप एक हाईलाइट हुए हो, काफ़ी काम किया है, ग्रो हुए हो, इस वजह से अट्रैक्ट हुए। तो इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ अभी भी मटेरियलिस्टिक चीज़ की तरफ ही अट्रैक्ट हो रहे हैं। हाँ, इनके लिए मटेरियलिस्टिक चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन अभी इनको एक कनेक्शन फील होता है आपके साथ। अभी इनको जैसे कि किसी का साथ चाहिए, किसी का सपोर्ट चाहिए। जैसे उस टाइम पर आपको किसी के प्यार की ज़रूरत थी, सपोर्ट की ज़रूरत थी, इस टाइम पे अब इनको किसी के प्यार की और सपोर्ट की ज़रूरत है, ऐसा मैं यहाँ पर देख रही हूँ। ओके, तो ऐसा मैं देख पा रही हूँ यहाँ पर, ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पर दिख रही हैं। ओके, आपको क्या करना चाहिए ऐसे में? A new start is coming, yes, एक नई शुरुआत हो रही है भाई, ये करेंगे स्टार्ट। योर कमिटमेंट इज़ बीइंग टेस्टेड एंड यहाँ पर होल्ड योर विज़न। ओके, यूनिवर्स यहाँ पर आपको ये कहना चाहते हैं कि अभी आप कितना अपने लिए कमिटेड हो, मतलब हम जो है अब कुछ चीज़ों को लेकर के कमिटेड होते हैं ना, खुद के साथ भी हम कमिटमेंट्स करते हैं, तो ये उसका टेस्ट चल रहा है अभी आपका। ये आएंगे, शख्स आएगा आपकी लाइफ में, फिर से एक नया शुरुआत होगी इसके साथ आपकी। लेकिन यहाँ पर यूनिवर्स चाहते हैं कि आप अपने जगह पर टिके रहो, अपने कमिटमेंट्स के साथ आपको रुकना है। मतलब कि आपको जो है अपनी लाइफ पर ध्यान देना है। ये आएंगे लेकिन आपको अपनी लाइफ पर ध्यान देना है, ज़्यादा ध्यान इनके ऊपर नहीं देना है, ठीक है? उसके पीछे रीज़न ये है कि आप बहुत कुछ अचीव कर रहे हो अपनी लाइफ में और आगे बहुत कुछ अचीव करोगे, लेकिन ये डिस्ट्रैक्शन बन के आएंगे आपकी लाइफ में। अब उसी चीज़ का टेस्ट है कि आप कितना जो है अपने आप जो चाहते हो उसके साथ खड़े रहते हो और कितना अपने आप को संभाल के रखते हो। सो उसी का टेस्ट आपका यहाँ पर लिया जाएगा। तो आप एक तरीके से यहाँ पर डेविल एनर्जी भी है। आप एक तरीके से ये कह सकते हो कि ये आपके लिए एक बहुत बड़ी डिस्ट्रैक्शन बन के आएंगे जो कि आपको शायद अपने करियर से भटका दें, तो वो चीज़ नहीं करनी है आपको। ये शख्स आए, सुनो, बात करो, लेकिन ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होना, ठीक है। ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होना है। उसके पीछे रीज़न है कि शायद इस शख्स के साथ फिर से कोई साइकिल है, लेकिन आपको अपने काम पर लगे रहना है, ठीक है। किंग ऑफ वॉन्ड्स, क्यों नहीं होना ज़्यादा इन्वॉल्व? क्योंकि इस चीज़ को मत भूलना कि ये शख्स अभी भी उतना ही प्रैक्टिकल और उतना ही लॉजिकल है जितना ये पहले था, ठीक है। इसलिए क्योंकि ये शख्स कभी भी फिर से अपने मतलब का सोच के आगे बढ़ सकता है अपनी लाइफ में, इसलिए। टू ऑफ कप्स, ओके। यहाँ पर मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि ये शख्स आएगा तो इमोशंस लेकर के, लेकिन ये शख्स अभी भी उतना ही लॉजिकल है, उतना ही प्रैक्टिकल है, तो अटकना नहीं है आपको। फोर ऑफ वॉन्ड्स, वाओ, एनर्जी अच्छी है। हाँ जी, अगर ये शख्स आपसे शादी की बात करता है और आप भी अगर रेडी हो इससे शादी के लिए तो ठीक है, और अगर ये शख्स आकर के सिर्फ रिलेशनशिप या ऐसी बात करते तो फिर आपको इसके साथ आगे नहीं बढ़ना है, सिंपल, ठीक है। बट इस बात का ध्यान रखना कि ये उतने ही लॉजिकल और उतने ही प्रैक्टिकल अभी भी होंगे। अभी ये परेशान है तो ये आ रहे हैं आपकी तरफ, अगर परेशान नहीं होते तो शायद आपके बारे में सोचते भी नहीं, बट अभी सोच रहे हैं क्योंकि ये परेशानी में है, ओके। और इनको कोई अच्छा साथी चाहिए अभी इस टाइम जो इनको सपोर्ट कर सके, प्यार दे सके, संभाल सके। ये एक नई शुरुआत करना तो चाहते हैं, लेकिन इनका क्या है, माइंड का कोई भरोसा नहीं है। तो यहाँ पर ना अच्छा ये होगा, यूनिवर्स कह रहे हैं आप अपने काम पर ध्यान दो। अगर ये शख्स शादी का बात करता है या ये शख्स बहुत सीरियस बात करता है कनेक्शन में, तो ही आप इससे बात करो, अदरवाइज़ और किसी तरीके की बात नहीं करनी है। लाइक मुझे रिलेशनशिप में आना है तो सीरियस बात करो आप उनसे, टू द पॉइंट। शादी करनी है तो आओ, नहीं तो मत आओ। और दोस्ती वगैरह नहीं रखनी क्योंकि आपके लिए डिस्ट्रैक्शन होगी ये सारी चीज़ें। अगर ये शादी का प्रपोज़ल लेके आते हैं और आप भी रेडी हो शादी के लिए तो ठीक है, अदरवाइज़ इनको लाइफ में एंट्री देना एक डिस्ट्रैक्शन को बुलाना ही होगा, उससे ज़्यादा कुछ नहीं, ओके। तो इस बात का ध्यान रखो। वैसे शख्स की इंटेंशन दिखती है कि शादी की बात करेगा आपसे, लेकिन फिर भी आपको यहाँ पर थोड़ा सा अवेयर रहना है क्योंकि ये शख्स फिर अपने फ़ायदे और नुकसान की सोचेगा। ये शख्स अपने फ़ायदे और नुकसान की ही सोचता है, और अब दोबारा आ रहा है आपकी लाइफ में तो भी अपने फ़ायदे और नुकसान के बारे में ही सोच रहा है, क्योंकि इन्होंने अब देख लिया चारों तरफ जा कर के, इनको पता चल गया कि कुछ नहीं मिलने वाला मेरे जैसा मुझे, तो अब ये वापस से आपकी तरफ मुड़ रहे हैं, क्योंकि जब कुछ नहीं दिखता तो वही दिखता है जिसको हमने जहाँ छोड़ा था, ठीक है। तो उस टाइम तो शायद इन्होंने उतना ध्यान नहीं दिया, लेकिन अभी इनको आपके अलावा कुछ दिख नहीं रहा, तो अब ये आपका डिसीज़न होगा। लेकिन इस बात का ध्यान रखना कि इनके चक्कर में आपने अपने करियर और अपने काम पे से ध्यान नहीं हटाना है, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना। ऑलराइट, सो या थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें, बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगैन।